मुझे नहीं पता कि कहाँ का नाम बदल रहा है। ये बीजेपी वाले हैं, आपके आने से पहले मुझे जानकारी मिली कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका ये सरकार प्रचार कर रही है। जो सरकार 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का टारगेट फिक्स कर रही हो, कि इतना उनको एमओयू हो रहा है या इन्वेस्टमेंट आने के एमओयू हो रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए का प्रचार कर रहे हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता। ये बीजेपी के लोग बताएं कि पहले जो एमओयू हुए थे वो कितने ज़मीन पर उतरे, डिफेंस एक्सपो के बहाने जो आपने बुंदेलखंड में मिसाइल बनाने की बात कही, बम बनाने की बात कही, वो कितना ज़मीन पर उतरा है। सवाल आज ये है कि बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी। आप इन्वेस्टमेंट कितना भी ले आएँ, लेकिन अगर रोज़गार नहीं मिलेंगे, बेरोजगारी नहीं ख़त्म होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए है? और फिर महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब अमूल कीमत बढ़ाएगा, अमूल का आज बाज़ार बड़ा है, और अमूल का दूध का या उनके अन्य प्रोडक्टों की कीमत बढ़ने का मतलब यह है कि जितने भी बाज़ार में दूध दही के प्रोडक्ट हैं उन सब की कीमत बढ़ जाएगी। अमूल ने बढ़ाया, पराग ने बढ़ा दिया। मैं अपने क्षेत्र में काऊ मिल्क प्लांट लगवाया था, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, हेमा मालिनी जी का नाम है उस पटिया पर। वो प्लांट बंद हो गया, वो प्लांट बंद कर दिया गया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बुलंदशहर वो शहर है, जिला या आसपास वो जिला है जहाँ दूध का कारोबार सबसे ज़्यादा होता है। मुझे याद है नेताजी के साथ मैं एक कार्यक्रम में शादी में शामिल होने आया था, उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, इसी जिले में आए थे शादी में, आज दोबारा मैं शादी में आया हूँ, और दूध का काम इस जिले में बहुत है। तो सोचो अगर अमूल ने कीमत 3 रुपए बढ़ाई तो क्या मुनाफा गाय और भैंस रखने वालों को हो रहा है कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है?